हेलो दोस्तों, वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल इंक्रीज नॉलेज में। मेरा नाम है कांशु। आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 5 स्टेपिंग स्टोन का चैप्टर 6 द फार्मर एंड द मिलियनेयर के आगे के दो पेजेस पढ़ के समझाने वाला हूँ। एंड अगर आपने इसके पिछले स्टार्टिंग के दो पेजेस वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको भी जाकर देख लीजिए। एंड इसलिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मिलियनेयर वेंट टू द फार्मर्स हाउस टू कंग्रेट हिम एंड आस्क हिम व्हाट मेड हिम सो हैप्पी। तो मनीलैंडर जो है उस फार्मर के घर गया फिर, एंड उसने उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस दी एंड उससे पूछे कि तुम इतने हैप्पी, मतलब क्या चीज़ तुम्हें इतना हैप्पी बना रही है। तो उस मनीलैंडर ने बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस माय फ्रेंड, सो व्हाट्स ऑल दिस आई एम हियरिंग, यू सीम टू हैव बिकम लकी। तो मनीलैंडर ने बोला था कि कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे दोस्त, एंड क्या चीज़ है जो कि मैं सुन रहा हूँ जो कि तुम्हें इतने ज़्यादा लकी बना रही है। तो फिर उसने बिफोर लॉग द फार्मर फाउंड हिमसेल्फ फीलिंग टेलिंग हिम द स्टोरी ऑफ हिज मीटिंग राम। तो उसने जो है वो फार्मर ने उसको मनीलैंडर को पूरी स्टोरी बताई कि कैसे जो है वो राम को मीट किया एंड वो इतना लकी कैसे हो रहा है। तो फिर फिर फार्मर ने बोला, ऑफ कोर्स आई एम नॉट सो स्टूपिड एज टू टेल हिम द सीक्रेट ऑफ ब्लोइंग द कॉन्स। बोला कि ऑब्वियसली जो है मैं इतना बुद्धू नहीं हूँ कि मैं उसको बताऊँ कि वो सीक्रेट क्या है उस कॉन्स शेल को ब्लो करने का। द मनीलैंडर वॉज डन डिटरमिनेड टू गेट कॉन्च बाय हुक और बाय क्रूक। वन डे ही स्टोल इट फ्रॉम द फार्मर। तो मनीलैंडर था वो डिटरमिनेड था कि उसको वो कॉन्च शेल चाहिए था किसी भी तरीके से। तो एक दिन उसने वो उसके उस फार्मर के घर से चोरी कर लिया था। बट ट्राई एज ही माइट ही कुड नॉट ब्लो द कॉन्च शेल, ही वॉज फोर्स्ड टू गिव इट अप अ बैड जॉब। ही वेंट टू द फार्मर एंड सेड कूलली। तो जो है उसने ट्राई किया कि वो चलने पर वो उसके पास शायद परमिशन नहीं थी तो वो चला नहीं पाया था। तो फिर वो वापस जो फार्मर के घर गया एंड उसको ये कूली कहा, नाउ लुक आई हैव इट बट कांट यूज इट, यू डोंट हैव इट सो यू कांट यूज इट ईदर, देयर इज ओनली वन वे आउट। तो मिलिंडर ने बोला था कि अब देखो मेरे पास ये कॉन्च शेल है, मैं इसको यूज नहीं कर सकता, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम भी इसको यूज नहीं कर सकते। तो इसको तो सिर्फ एक ही तरीका है इससे बाहर निकलने के लिए। एंड फिर फार्मर ने पूछा, व्हाट इज इट, वो क्या है। द मिलिंडर सजेस्टेड अ बार्गेन। तो मिलिंडर ने जो एक सजेस्ट की उसको एक बार्गेन। मिलिंडर बोला, आई विल गिव इट बैक ऑन वन कंडीशन, व्हाटएवर यू गेट इट फ्रॉम इट I am to get double। मतलब ये शर्त थी कि भाई जो तू इससे लेगा, मतलब तू इससे मांगेगा एंड वो जो तुमको मिलेगा ना उसका डबल मिलेगा मिलिंडर को, फार्मर
जो भी मांगेगा उस कॉन्शल से उसका डबल मिलेगा मनी लेंडर को। फिर फार्मर ने बोला, नेवर, डैट वुड बी द ओल्ड बिजनेस ऑल ओवर अगेन। कभी भी नहीं, वो फिर से वो पुराना बिजनेस हो जाएगा कि तुम अमीर हो मैं गरीब हूँ, तो ये पूरा चल चल के वापस आ जाएगा। तो नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन फिर बट इट वेंट अगेंस्ट द ट्रेंड बीनीफ द मनी लेंडर द फार्मर टू अग्री एक्चुअली। मतलब ये चलता रहा एंड फाइनली जो है फार्मर से उसने हाँ करवा ही दिया। उसे मनी लेंडर ने बोला था, नॉट एट ऑल, डोंट बी अ डॉग इन अ मेंजर। If you get all you want, how does it matter if I am rich or poor? मतलब उसने बोला, तुम यार क्या कर रहे हो, तुम एक डॉग इन अ मेंजर की तरह रिएक्ट कर रहे हो। अगर आपको नहीं पता डॉग इन अ मेंजर क्या होता है, डॉग इन अ मेंजर वो होता है जो कि जैसे कि उसके पास जैसे कि किसी और की चीज़ उसने ले रखी है किसी और की, एंड वो ना उसको यूज़ करने दे रहा है ना उसके वो खुद भी यूज नहीं कर सकता। वैसे फार्मर ने भी तो किया था, जैसे वो मनी लेंडर यूज नहीं कर पा रहा, नहीं मतलब मनी लेंडर भी किया था ना, मनी लेंडर उसको यूज नहीं कर पा रहा था एंड वो फार्मर को भी यूज नहीं करने देता, वही होता है डॉग इन अ मेंजर। उसने बोला कि अगर तुम्हें चाहिए तुम्हें वो मिल गया तो तुम्हें वो मिल जाएगा जो तुम्हें चाहिए, एंड इससे मैटर क्या करता है अगर मैं अमीर हूँ तो गरीब हूँ। सो फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स एवरीथिंग द फार्मर विश फॉर द मनी लेंडर गेट गॉट डबल। दिस मेड द फार्मर वेरी डिससैटिस्फाइड। तो उस टाइम के बाद जो है हमेशा जब भी कोई चीज़ फार्मर लेता तो मनी लेंडर को उसका डबल मिलता, एंड फिर ये जो है फार्मर को बड़ा डिससैटिस्फाइड बना देता है। दिस इज टू मच टू बियर, द फार्मर ब्रूड ओवर इट एंड केम विद एन आइडिया। ही ब्लू द कॉन्शेल लाउडली एंड सेड। मतलब उस फिर उसके दिमाग में, फार्मर के दिमाग में एक आइडिया आया एंड उसने फिर जो है उस कॉन्शेल को ब्लो करा एंड फिर बहुत तेजी ये बोला, ओ राम आई विश टू बी ब्लाइंड ऑफ वन आई। मतलब राम को बोल रहा है कि प्लीज़ मेरे को एक आँख से अंधा कर दो, मतलब एक आँख मेरी ख़राब हो जाए जिससे मैं देख ही ना पाऊँ, वो ब्लाइंड हो जाए। इन टिकिंग He became blind of one eye and the money lender in both। मतलब देख रहे क्या आइडिया है, उसने एक आँख से ब्लाइंड हुआ एंड फिर मनी लेंडर तो डबल मिलना था तो वो दोनों आँख से ब्लाइंड हो गया। The money lender fell into one well and drowned all through। The farmer got better of the money lender। He had to lose of his own eyes to do so। तो आखिरी में जाकर मनी लेंडर उसके वेल में गिर गया एंड फिर वो डूब गया, मर गया, एंड जे ऑल थ्रू जे बेटर। तो फार्मर गॉट द बेटर ऑफ द मनी लेंडर, लेकिन आखिरी में जाकर उसको अपनी एक आंख खोनी ही पड़ी। तो गाइस आज की वीडियो को इतना ही, मैंने ये चैप्टर पूरा पढ़ के आपको सुना दिया है दो वीडियोस की मदद से। तो आज की वीडियो को सुना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट शेयर एंड बेल आइकन करने दबाओ, एंड मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।